नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आज हम पढ़ेंगे पैराबोला। दोस्तों पैराबोला जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल हर पेपर में एक से दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हम बारी बारी दोनों को स्टडी करेंगे और दोनों के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के पैराबोला से। तो अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला की इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों, वो बनता है कनकेव अप। तो ये हमारे पास ग्राफ है। इसकी जो वर्टेक्स होती है वो 0,0 पे लाई करती है, जो कि हमारा ओरिजिन भी है। जो इसकी फोकस होती है वो 0,a पे लाई करती है, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो y एक्सिस को 0,-a पे कट करती है। अब हमारे पास जो पैराबोला है उसकी काफी सारी कोर्ड्स होती है, तो कुछ टाइप ऑफ स्पेशल कोर्ड्स होती है जो फोकस से पास करती है, उन्हें हम फोकल कोर्ड कहते हैं। तो जो हमारे पास फोकल कोर्ड होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4a cos स्क्वायर अल्फा। तो जो हमारा 4a cos स्क्वायर अल्फा जो उसकी लेंथ होती है, उसके अंदर जो अल्फा जो एंगल होता है वो होता है एंगल y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मापा गया। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है फोकल कोड की वो है 4a cos स्क्वायर अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ फोकल कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेई मेन में। हमारे पास ये कर्व है, तो हमने इसका एक पॉइंट लिया है x1, y1। तो इसके ऊपर हमने टेंजेंट भी ड्रॉ करी है, हमने नॉर्मल भी ड्रॉ करी है। तो हम इनकी इक्वेशन देखेंगे। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसकी दो फॉर्म्स होती है। अगर हमें टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो m, या फिर हमें टेंजेंट का एक पॉइंट बता रखा है x1, y1, तो हमारे पास दो दो फॉर्म्स होती है लिखने की। तो हमारे पास पहली फॉर्म है स्लोप फॉर्म। अगर हमें टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो तो उसकी जो इक्वेशन आती है वो होती है y=mx - am², जहां की m स्लोप है और जो a है वो कॉन्स्टेंट है जो कि इक्वेशन में था। अब हमारे पास दूसरी तरीका आता है, दूसरी फॉर्म आती है एट पॉइंट x1, y1। अगर हमें बता रखा हो कि पैराबोला के x1, y1 पे हमें इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी x(x1) = 4a y + y1/2। तो मैंने आपको इलिप्स और हाइपरबोला में बताया था कि अगर आपको किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर, किसी भी पॉइंट x1, y1 पे उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो जो आपकी एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है उसे आप x(x1) से रिप्लेस कर दो, जो कि मैंने इसमें किया है। और जो x की टर्म से x + x1/2, सिमिलरली y में भी सेम होता है। तो जो y की टर्म है वो y + y1/2 से रिप्लेस हो गई और हमारे पास यहाँ पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x(x1) = 2 ways of a (y + y1). हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब हम इसके नॉर्मल की इक्वेशन देखते हैं। x1, y1 पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन होती है वो आती है ऐसे। हमने लाइंस में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट हमें दे रखा है लाइन का और उसका स्लोप दे रखा हो, तो हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं y - y1 / x - x1 × slope। तो जो उसका स्लोप होता है नॉर्मल का वो होता है -2a/x1। ये स्लोप कहाँ से आता है? ये स्लोप यहाँ से आता है। अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता हो तो जो नॉर्मल का स्लोप होता है -1/m होता है, अगर इसका स्लोप m है तो। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप होता है और जो नॉर्मल का स्लोप होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से अगर इसका स्लोप m होता है तो उसका -1/m होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप उसको y = mx + c की फॉर्म में चेंज करो, जो स्लोप आता है वो आता है x1/2a। तो इसका बिल्कुल इनवर्स और नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -2a/x1। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है एट पॉइंट x1, y1, उसकी इक्वेशन होती है y - y1 / x - x1 = -2a/x1। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला पे, y² = 4x। तो इसका जो फोकस है वो x एक्सिस पे लाई करती है, और ये इसका जो कनकेव अप जो डायग्राम बनता है वो x एक्सिस की तरफ ये खुलता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। इसकी जो वर्टेक्स होती है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन पे लाई करती है। इसका फोकस 1,0 पे लाइन करता है, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन होती है x = -a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो 2a होता है। ठीक, हमारे पास वर्टेक्स आ गई, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स हमने बना लिया है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस को -1,0 पे कट करती है। ठीक, तो अब हमारे पास इसकी इक्वेशन है फोकल कोड की। तो हमने पिछले में पढ़ाई था कि जो फोकल कोड होती है उसका जो लेंथ होती है वो होती है 4a cos स्क्वायर अल्फा। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इसकी जो मान लो कि ये एक फोकल कोड है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 4a cos स्क्वायर अल्फा, जहाँ की जो इस बार जो एंगल होगा अल्फा वो x एक्सिस से नापा जाएगा। तो अगर आपको x² = 4ay की इक्वेशन दे रखी है तो इसके अंदर भी लेंथ सेम ही होती है, फॉर्मुला सेम रहता है दोनों के अंदर, बस जो अल्फा है इसके अंदर यहाँ से मेजर होता है और इसके अंदर अल्फा x एक्सिस से मेजर होता है। तो इसके अंदर भी एक स्पेशल केस आता है जब जो हमारी फोकल कोड है वो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के, तो इसके अंदर उसका नाम होता है लेटर सेक्टम। तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4a। अब यहाँ पे अगर आप अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो तो भी आ जाएगी, और अगर आप इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालो और फिर डिस्टेंस निकालो तो भी सेम वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ये कर्व है, तो हमने इसका एक पॉइंट मान लिया x1, y1। हम इसके ऊपर नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक स्लोप फॉर्म, अगर हमें टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो, और एक
एट पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन, यानी कि अगर हमें खाली पॉइंट दे रखा हो कि एक्स वन कोमा वाई वन एक पॉइंट है जो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखो टेंजेंट की। तो हमारे पास स्लोप फॉर्म आती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जहां एम जो है वो टेंजेंट का स्लोप है और जो ए है वो कॉन्स्टेंट है जो पैराबोला की इक्वेशन में था। ठीक, अब हमारे पास एट पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन आती है, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई वाई वन इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। मैंने आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाले पैराबोला में बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी स्ट्रेट कर्व है और हमें पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पे इक्वेशन लिखी है टेंजेंट की, तो वो इक्वेशन होगी अगर वाई स्क्वायर की टर्म है तो उसे वाई वाई वन से रिप्लेस कर दो, एक्स की टर्म है तो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दो। तो इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आएगी वाई वाई वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स वन। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर स्लोप फॉर्म में लिखी जाए तो उसकी इक्वेशन आती है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बार बार पूछी जा चुकी है जेईई मेंस में और इसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है y equals to mx minus 2am minus am cube, जहां a हमारा कांस्टेंट है इक्वेशन में से और m जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब अगर हमें x1 y1 पे स्लोप इक्वेशन निकालने के लिए बोल दे नॉर्मल की, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर एक हमें पॉइंट दे रखा हो x1 y1 और हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है y minus y1 divided by x minus x1 equals to minus y1 upon 2a। तो ये हमारी दो कोऑर्डिनेट्स हमने लगा दिया और ये इसका स्लोप है नॉर्मल का। ये कहां से आया? इससे अगर आप स्लोप निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो उसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल होगा, तो वो यहां से आता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले x equal to 4a y में किया था। तो दोस्तों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया था x square equals to 4ay का इक्वेशन वाला पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स था 0.0 पे लाई कर रहा था, इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी वो थी y equals to minus a पे, इसका फोकस था वो था 0.a। ठीक, लेकिन अब अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो x square equals to 4a y minus c, अगर हमें y ना देके y minus c दे रखा हो तो क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, बस हमारा पैराबोला है वो शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे c डिस्टेंस से। ठीक, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकालोगे इसको इक्वल टू जीरो करके और इसको जीरो करके। जब आप इसको जीरो करते हो तो जीरो आ जाता है, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा नए वाले पैराबोला का वो जीरो रहेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा नए पैराबोला का वो रहेगा इसको जीरो करने से वाई की वैल्यू आती है सी। इसका मतलब कि हमारा नया कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स के पैराबोला का वो होगा जीरो कोमा सी। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमारा नया पैराबोला बना है वो इसके वर्टेक्स है जीरो कोमा सी, और जो फोकस होता है और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, और वो डिस्टेंस निकलता है इस वाली टर्म से। अगर जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसको आप फोर से डिवाइड करो, यानी कि फोर ए है, यानी कि जब फोर से डिवाइड करोगे तो ए आता है। इसका मतलब जो हमारी वर्टेक्स है उससे फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए होगा। तो हमने यहाँ पे इस पे भी देखा कि जो हमारा वर्टेक्स है उससे फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए है, और इसके अंदर भी सेम था, तो हमें पता है कि इसकी वर्टेक्स यहाँ है, तो इससे हम सेम डिस्टेंस नीचे चलेंगे ए डिस्टेंस तक, तो हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लिया है, और हमने सेम डिस्टेंस ए ऊपर चला तो हमने यहाँ पे सेकंड फोकस ढूंढ लिया है जो हमारे नए पैराबोला का फोकस है। तो अगर हमें इसके अंदर चेंजेस मिले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग जीरो करके वर्टेक्स के पॉइंट निकालिए, और जो हमारे वर्टेक्स के पॉइंट आ जाएंगे जो वर्टेक्स होती है उससे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस होते हैं, जिसका की डिस्टेंस हमें यहाँ से मिलता है। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, इससे हमने ए डिस्टेंस ऊपर ले लिया और इससे हम ए डिस्टेंस नीचे आ गए। अब हमने यहाँ नोटिस किया कि इसके अंदर सी का गैप है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। ओके, तो जो फोकस का हो गया इससे कोऑर्डिनेट आ जाएगा जीरो कोमा ए प्लस सी। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे पैराबोला के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस साल मेन से पूछा है क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन बता रखा है कि एक लाइन है x इक्वल टू वाई और एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। हमें कहा गया है कि हमें इस लाइन का इस पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो हम पहले इस पैराबोला को कर्व करेंगे। तो हमने पहले अपनी एक्सिस बना ली और फिर हमें देखा कि हमें इसके जब वर्टेक्स निकालने होते हैं पैराबोला के, तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग जीरो करते हैं, तो इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, और जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वहां से टू आएगी, तो ये वन टू यानी टू कोमा जीरो पे इसकी वर्टेक्स लाई करेगी। हमने यहां से पैराबोला ड्रॉ कर लिया है, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ये जा रही है, तो अब हम इस लाइन का मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर इस लाइन का इससे मिनिमम डिस्टेंस उस पॉइंट से डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और ये लाइन दोनों पैरेलल आ जाए, तो वो जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम होगा। तो हम पहले सपोज करते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 है, हम इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे यहां से पॉइंट फॉर्म से y y1 equals to x plus x1 by 2 minus 2। तो हमें क्या करना था, वाई स्क्वायर की टर्म को वाई वाई वन से रिप्लेस करना था, एक्स की टर्म को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करना था, और कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज लिखना था। तो हमने यहां से लिख लिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू वाई वाई वन प्लस फोर इक्वल टू x plus x1, x equals to 2y1 into y plus
फोर माइनस एक्स वन, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब हमें बताया कि ये इक्वेशन इसके पैरेलल है, यानी इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है वन। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में देखोगे तो इसका स्लोप वन आ रहा है, यहाँ से इसका स्लोप वन है तो इसका स्लोप भी वन ही होना चाहिए। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे, इसका स्लोप आ गया अपने पास वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई वन इक्वल टू वन है, इसका मतलब जो वाई वन की वैल्यू है वो हाफ आ गई। अब हमें एक पॉइंट पता चल गया हाफ, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू हाफ पुट हाफ पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ हाफ आ स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास है नाइन बाय फोर। हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन की इक्वेशन है, उन दोनों में इसका डिस्टेंस निकालना है। जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर लाइन की इक्वेशन ax plus by plus c हो तो इसका जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से x1 कोमा y1 से, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। यहाँ पे हमें c की वैल्यू जीरो दे रखी है और a और b की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी बनती है x माइनस y इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे सेम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गई हमारी नाइन बाय फोर माइनस वन बाय टू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा, इसको एलसीएम लेंगे हम सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा सेवन बाय फोर रूट टू। तो यही हमारा आंसर है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें से बता रखा है कि इसके अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और हमें कहा गया है कि इसके फोकस से पास करने वाले कोण, यानी इसका फोकल कोण है 1.4 से भी पास करता है। तो हमसे इसकी इक्वेशन पूछी है, इसकी लेंथ पूछी है कोण की। तो हमने यहाँ पे एक पैराबोला बना लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x जो कि 0.0 पे पास से पास करेगा, 4.0 पे इसका फोकस होगा, तो यहां से पास कर रहा है और 1.4 से पास कर रहा है, 1, 2, 3 1.4 से पास कर रहा है। तो इसको इस कोण की हमें लेंथ पूछी गई है। तो यार हम पहले क्या करेंगे, हमें पॉइंट पता है 1.4, हम पहले इसका स्लोप निकालेंगे, यहां से इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो इसको पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, जो इसका स्लोप आएगा वो आएगा 4-0 अपॉन 1-4 इक्वल्स टू, स्लोप आ गया हमारे पास यहां से 4-4/3। तो अपना स्लोप है, हमें पता है कि फोकल कोण की जो लेंथ होती है वो होती है 4a cos x स्क्वायर अल्फा। यहाँ की अल्फा जो होता है वो ये एंगल होता है, हमें यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पता है -4/3। तो जो cos x स्क्वायर अल्फा होगा वो होगी 5/4 का होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू यहां से आ जाती है 16, तो हमारी जो लेंथ आ गई फोकल कोड की वो होगा 16 × 5/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 25। तो ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू x और हमें एक इलिप्स की इक्वेशन भी दे रखी है x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और हमें कहा गया कि इसका एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा जो इसके ऊपर लाई करता है, वो उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पैराबोला पे तो वो इसके भी टेंजेंशियल होगी। तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम अल्फा कोमा बीटा पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके ऊपर टेंजेंट अगर हम पॉइंट फॉर्म से ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, वाई बाय वन, वाई वन की वैल्यू यहाँ बीटा है इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स वन की वैल्यू अल्फा है बाई टू। हमें पता है अगर किसी भी कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट पे तो वाई स्क्वायर की टर्म को वाई वाई वन से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स की टर्म को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ट्वाइस ऑफ वाई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस अल्फा अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा। अगर इसके इलिप्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें एट विच स्लोप m, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पता है क्या, जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ से हमें मिल जाएगी 1, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ से हमें मिल जाएगी हाफ, क्योंकि आप तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यार नीचे लिखी जाती है, यानी हमारे पास ये आ गई है बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू है, एम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है ठीक, तो यहां से एम की वैल्यू देख सकते हो, एम की वैल्यू यार 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा है ठीक। तो एम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो सी पार्ट है जो कॉन्स्टेंट टर्म है उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बीटा यहाँ पे, और जो इस इक्वेशन में हम सोल्व कर रहे हैं तो इसकी कॉन्स्टेंट टर्म जो आएगी होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1, जो एम स्क्वायर है यानी 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का
1 by 2, 20 करके वैल्यू 1 by 2 यहां से आ गई। ठीक, तो हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस हाफ। तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो हमारी यहां से इक्वेशन बन के आती है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर। यहाँ पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब यहां से हम देख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अल्फा के बराबर है। जब हम पुट करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट होगा वही अल्फा की वैल्यू होगी, तो उसका रूट निकाल लेते हैं हम। तो ट्वाइस ऑफ प्लस माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो हम इसको आंसर सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस, यहां से 4 रूट 2, 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा डिवाइड बाय 2, यानी 1 प्लस माइनस रूट 2। हमें पता है कि जो अल्फा है वो पॉजिटिव है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 2। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका हमें इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और हमें एक लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है x माइनस रूट 2y प्लस 4 रूट 2। और हमसे कहा गया है कि जो लाइन है ये जब पैराबोला कट करेगी तो एक कोण बनेगी, हमें उस कोण की लेंथ पूछी गई है। तो हम यहां इसमें सपोज इसके वैल्यू निकालेंगे इसी पुट करके, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी रूट 2 बार y माइनस 4। जब हम इसको यहां पुट करेंगे तो x की दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स पे x की दो दो वैल्यू होंगी। जैसे यहां दो रूट्स आएंगे तो x1 कॉमा y1 एक वैल्यू होगी और x2 कॉमा y2 दूसरी वैल्यू होगी। तो फिर हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं यहां पुट करके, ट्वाइस ऑफ y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, यानी कि ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस 32 माइनस 2 8 16 y इक्वल्स टू 4y। तो यहां वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अपने पास यहां पे y की वैल्यू निकलेगी यहां से हमारे पास, तो y की वैल्यू होगी अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 100 का 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 टाइम्स 64 डिवाइड बाय 2। दैट इज y की वैल्यू जो है अपने पास वो है 10 माइनस 6 बाय 2 2 और 8 10 प्लस 6 बाय 2। ठीक, तो हमने यहां से नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से y की वैल्यू निकाल ली है। हमें y1 की वैल्यू पता है x1 कॉमा 2 और ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 कॉमा 8। हम इसमें अगर पुट कर देंगे y की वैल्यू तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहले 8 पुट कर देते हैं, 8 फॉर 32, जब आप इसका रूट लोगे तो अपने पास आएगा 4 रूट 2, यानी ये पॉइंट आ गया 4 रूट 2 कोमा 8। और जब इसको पुट करेंगे 2 तो 4 टू 8, जब इसको अंडर रूट लेंगे तो आएगा 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2 कोमा 2। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो हम इसका रूट निकाल डिस्टेंस निकाल लेते हैं 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन आएगी 8 प्लस 36 दैट इज 44 का अंडर रूट। हमारे पास डिस्टेंस आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 11। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, और हमें कहा गया है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल सब्सटेंड करता है। तो क्योंकि इसका एंगल थीटा सब्सटेंशन का, तो इसका जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू 10 थीटा हो गया। तो अब हमें इसके टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। हमें पता है कि अगर हमें पैराबोला दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में वो होती है y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर। तो हम यहां पे भी सेम ही करेंगे, m की वैल्यू हमें पता है 10 थीटा, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, क्योंकि ये 4a के बराबर होता है, 4a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां सॉल्व करते हैं y इक्वल टू mx यानी कि 10 थीटा इनटू x माइनस a यानी कि 2 m स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं चार, तो हम इसको cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन आ जाएगी y cot थीटा इक्वल्स टू x माइनस 2 tan थीटा। तो जो हमारा आंसर है वो है x इक्वल्स टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा।